तो जी ग्रासलैंड आने का फैसला तो एकदम सफल रहा। अब बाकी अभी है कि टाइगर हमारे सामने सोया हुआ है और काफ़ी डिस्टेंस दी हम लोगों ने। जब उठेगा मोमेंट होगी तो उसके बाद हम आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। बाकी वो देखे टाइगर। तो जी आप लोग रेडी हो, फर्स्ट टाइम आप लोगों को लेके चल रहे हैं टापू में ग्रासलैंड दिखा लगे, ठीक है। तो जो कि मतलब बहुत कम देखने को मिलता है ऐसी जगह है, आप लोगों को लेके चल रहे हैं। तो दलदल एरिया भी है, गाड़ी भी फंस जाती है। कॉल चल रही है उस साइड पूरी। अरे एक मिनट है, थोड़ा सा शांत रहेंगे सब। डियर भी अब उसकी तरफ जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोग के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में, और आशा करता हूँ कि आप सभी से कुछ चलूंगे और मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो जैसे कि हम आए थे ढिकाला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, और ये हमारी मॉर्निंग की सफारी है और साथ में ही पार्क की एंडिंग सफारी है। आज है 15 जून और लास्ट सफारी है इस सीजन की। तो चलते हैं और देखते हैं कैसा रहता है हमारा जंगल ट्रिप। तो जी मॉर्निंग सफारी से पहले आपको डेक में लेके आए, और देखिए कितने सारे एलिफेंट हैं यहाँ पे। हाथी सफारी रेडी है, फिर चलें। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जी सफारी की शुरुआत और फाइनल सफारी गणपति बप्पा मोरिया जय माता दी। तो मकसूद भाई क्या करा जाए, ग्रासलैंड तो हम ग्रासलैंड ही चलते फिर है। तो मॉर्निंग में जी ग्रासलैंड, शाम को सांबर रोड, ऐसी हमारी सोच थी और चाहत थी और ऐसे ही हमने करा। तो अभी हम, लेकिन ये हाथी पता नहीं हमें जाने देगा नहीं राइट में, ये बड़ी बात है देखने की, क्योंकि जी रास्ते में मिल गए हैं हाथी और साथ में है टस्कर जो कि ऑन रोड खड़ा है। जाने नहीं दूंगा बोल रहा है क्या। भैया चार्ज करेगा वो, पीछे कर लो। छोटे ही कर रहे हैं ज़्यादा। चलो ले लो फिर है, देख हमारी चलेंगे ये इसी में रास्ते ठीक है भाई। चलो ग्रास टेंट चलो। निकल जाएंगे तब तक, देखो और ये देखिए सनराइज का नजारा और साथ में हाथी की फुहार। मोटरसाइकिल तो बंद कर रखा है जी,
के ऊपर है फायर, छोटा साला और कमरपट्टा को जाती है रोड। अब जाएंगे हम ठंडी सड़क पे। ठंडी सड़क में तो जी ग्रासलैंड में है मेल टाइगर। तो जी यह है ग्रासलैंड का एरिया और शायद यहाँ पे टाइगर की साइटिंग भी हो चुकी है या चल रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी है और शायद टाइगर बैठा हुआ है। रोड पे लेटा है बस, क्लियर है तो रोड पे लेटा है। तो इस साइडिंग तो हो गई है और ये देखिए एकदम जो मोटो साल है वहीं पे है। कोई नहीं सो पाया, सब ऐसे रहे पूरे दिन। एक तो हिसाब से मच्छर खटमल पता नहीं क्या 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 बाकी आगे दिक्कत इसलिए होती है ऐसे गाड़ी लगाना अलाउ नहीं है। रस्ते की बात नहीं ना, ऐसे ग्रासलैंड के अंदर में डाल रखी जैसे इन्होंने। उस साइड से भी कॉल हुई, जस्ट स्पॉटेड डेड। तो जी ग्रासलैंड आने का फैसला तो एकदम सफल रहा। अब बाकी अभी है कि टाइगर हमारे सामने सोया हुआ है और काफ़ी डिस्टेंस दी हम लोगों ने। जब उठेगा मोमेंट होगी तो उसके बाद हम आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। बाकी वो देखे टाइगर। तो गाइज़ अभी हमने जो टाइगर को देखा वो मेल टाइगर था जो कि मोटा साल के आसपास हुआ था, और मोटा साल जो साल का ट्री है ना काफ़ी ज़्यादा मोटा है इसलिए मोटा साल बोला जाता है। उसके तुरंत बाद वो उठता है और हंटिंग पोजीशन में आता है। तो हमें ऐसा लगा कि आज तो किल देखने को मिलेगा, मतलब हंटिंग देखने को मिलेगी, लेकिन सांबा डियर जो था अंदर की तरफ भाग गया झाड़ी की तरफ। टाइगर उसके पीछे काफ़ी देर भागा लेकिन ग्रास पे था तो हमें उतने शॉट नहीं मिल पाए, लेकिन थोड़ा बहुत जो कैप्चर किया वो दिखाते हैं। सांबर ने कॉल कर दी और सांबर के पीछे अटैक करने के लिए गया। चलो बोलो मत है, आपने बोला चलो तब तक गेम हो गया देखा ना। तो जी है कि हंट में तो गया था वो, थोड़ी देर ट्राई करा उसने और तब तक सांबर डियर ने भी अलर्ट कर दिया और स्पॉटेड डियर ने भी। मुझे अभी सीन ये है कि वो अंदर को चले गया था और हंटिंग में है, अब पता नहीं कितने टाइम में आएगा तो वो देखो। बाकी है कि थोड़ा ग्रासलैंड और घूमते हैं और उसके बाद हम थोड़ा सा टाइम देंगे सांबर रोड की तरफ।
ना हम ग्रासलैंड में आपको एक नई जगह पे लेके जा रहे हैं जो कि टापू है और अभी खुला है और कुछ टाइम के लिए रहता है, मतलब हर बार नहीं देखने को मिलता है, तो वो फर्स्ट टाइम हम आपको दिखाने वाले हैं। और हाथी इसमें बहुत रहते हैं। वो आदमी खुला ना, पानी अब ज्यादा कम हुआ गर्मी की वजह से, नहीं तो बारिश पड़ जाती, पानी कमी नहीं हो पाता है, वरना नहीं मिलता है देखने को। ये तो पहले खुलता था, अब आके खुला है। तो जी आप लोग रेडियो, फर्स्ट टाइम आप लोगों को लेके चल रहे हैं टापू में, ग्रासलैंड दिखा लगे, ठीक है, तो जो कि मतलब बहुत कम देखने को मिलता है, ऐसी जगह है, आप लोगों को लेके चल रहे हैं। ये देखिए जी, पूरा पानी के अंदर डूबा रहता है ये एरिया। इस पत्थर में ये पेड़ हुआ करते थे, सब बह चुके हैं और ये पूरा पानी में समावेश होता है इनका, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो जब हम विंटर के टाइम में आते तो बहुत दूर हमें रुकना पड़ता है पानी की वजह से, लेकिन आज हम फर्स्ट टाइम आप लोगों को लेके टापू पे जा रहे हैं। तो जी ये नज़ारा आपने बहुत कम देखा होगा YouTube पे और वो आपको आज देखने को मिलेगा। तो देखो पानी से होके जाना पड़ेगा इस टापू पे और रास्ता भी काफ़ी गजब का है और टापू हमें दिखने लग गया अब। तो दलदल एरिया भी है, गाड़ी भी फंस जाती है। तो जी रेडी हो जाइए टापू में पहुंचने के लिए। तो ये है जी जन्नत का टापू। ये देखिए टापू, हर तरफ पानी है। तो लैंड सैंड यहाँ खत्म हो जाता है लैंड पे। कॉल हो गई चले उधर ही। कॉल चल रही उस साइड पूरी। स्पॉटेड डियर के अलार्म कौन है? ये जो पेड़ है ये पहले होंगे ना, जब जाएंगे तब जो होंगे। चलो बैठ जाओ आप लोग। तो जी अब हम चल रहे हैं क्योंकि कॉल कंटिन्यू हो रही है और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और ये नज़ारा भी आपने देख ही लिया आज। डियर भी सारे बाहर को ही आ गए। तो
सारी गाड़ी भी यहाँ आ गई है और कॉल भी चली थी यहाँ। टाइगर की मूवमेंट फिलहाल तो इस साइड है। सांबर तो उधर बोल रहा है। ये तीन नंबर तक तो ये देखो जो दिखा लग ग्रास लैंड से आग लग रही है। अगर गलती से हवा चल रही है 10-20 लोग तो होंगे। कितने लोग गए होंगे? वो जो ब्लेरो घूम रही थी कल ना, ब्लेरो एक ब्लेरो आगे और भी खाली घूम के आ रहे हैं। यहां चल रहा है खड़े में कुछ तो जी। ये देखिए जो दिखा लग ग्रास लैंड में ये पेड़ है जले हुए। काल मूवी में भी ये पेड़ दिखाए गए थे। हम जाते हुए सांबर रोड की तरफ। पार्किंग डियर है सामने कांकड़। अभी ना ज्यादातर हाथी ये रिवर के साइड आ गए क्योंकि जंगल में आग लगी है और हाथी को कुछ ज्यादा दूर से और पहले ही पता चलता है क्योंकि इसकी सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा तेज होती है और जो इसकी इंद्रिय की क्षमता होती है ना बहुत स्ट्रांग होती है। तो जब भी ये खतरा देखते हैं ना तो बहुत दूर से भांप लेते हैं और देखिए सारे हाथी इस साइड आ गए हैं। यहाँ भी काफी ज्यादा हाथी हैं। अभी हम कल वाली जगह पे आ गए हैं हाई बैंक पे। तो यहाँ पे पगमार्क भी है जो फिर से पानी की तरफ जाने के लिए तो जी है कि कल इसी जगह पे दिखी थी हमें पेड़ वाली और उसके दो कब्स थे जो सेट थे। लेकिन अब यह कि एक बार स्पॉटेड डियर बोला था वो भी कोई कंटिन्यू कॉल नहीं थी लेकिन यह कि पगबाग तो हमें दिखे थे इसी साइड है तो हम आगे तक भी देख के आ रहे हैं पर कच्चे वाटरफॉल तक और देखते हैं अगर वहाँ तक हुआ तो। बाकी ये है कि आप बैक नहीं आ सकते तो फिर हम वहाँ से या तो ग्रास लैंड चले जाएंगे, देखते हैं मोमेंट कोई गाड़ी वाड़ी मिल जाएगी तो, या फिर हम वापस मेन से यहाँ आ सकते हैं। और ठीक ये है कच्चा वाटर रॉड लेकिन यहाँ पर टाइगर तो नहीं है। तो जो ये रास्ता जाता था पार वाला तो वो बंद कर रखा है। ये देखो सामने बल्ली लगा रखी है ना। तो जी अभी आप पहुंच गए हैं केनालाली गेस्ट हाउस। तो जी ये है केनालाली गेस्ट हाउस। और 1974 में बनाया गया था। बाकी इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये VIP गेस्ट हाउस है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी यहाँ पे रुके हुए हैं। तो हाथी के द्वारा काफी अक्सर यहाँ पे बाधा पहुंचाई गई है, तोड़ा गया है। और देखिए बहुत अच्छे फ्लावर भी हैं। आम जैसे इसके लोग कुछ ऐसा ये पाम वाले इलाके में तो यहीं। सामने है जी मखना हाथी
फिर से ग्रासलैंड की तरफ आ गए और टापू की तरफ बढ़ रहे हैं। चेक करते हैं एक बार, क्या पता टाइगर पानी पीने तो नहीं गया हुआ। तो ये सीन ही है कि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों भी अलट रहे हैं और सामने एक देर भी अलट रहे हैं। टाइगर बैठा था पानी में, वो काला था तो जी टाइगर बैठा है वहाँ पे, काफ़ी दूर है। देखो ये बैठा है टाइगर, और अभी हमें यहाँ पे अभी एक ही टाइम रहते हैं, अगर उठ गया तो हमें अच्छा चलता हुआ दिखेगा। और यह पूरा पानी और एकदम पानी का जो एंडिंग है उसी में बैठा टाइगर। और ये डे विजिट की गाड़ियों ने भी आज देख लिया है। हाँ जी, नहीं दिखा आपको अभी, नहीं दिख रहा जहाँ पे ये पानी दिख रहा ना कम लास्ट वाला। हाँ, इसमें देखो फेस ओवर कर रखा है, पत्थरों की तरह लग रहा है ना सेम। ओके, तो जी लास्ट मॉर्निंग सफारी का नाम ग्रासलैंड के नाम। तपती गर्मी में हम भी खड़े हैं और टाइगर भी पानी में बैठा है। अरे एक मिनट, थोड़ा सा शांत रहेंगे सब। डियर भी अब उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा दूर ही है। उठा 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 उठा, अभी वो नीचे देख रहा है। जाना पड़ रहा है और टाइगर इसी गड्ढे में है पानी के, लेकिन टाइम की कमी है और हम टाइगर को छोड़ के ग्रासलैंड से जा रहे हैं क्योंकि सफारी हो गई है समाप्त। और ये है टिकाला की क्लोजिंग सफारी 15 जून। तो जी सीन ये है कि अब सफारी का भी एकदम पीक पीरियड है क्लोजिंग का, और अब हम चल रहे हैं वापस फॉरेस्ट की तरफ और चेकआउट करके फिर बाहर निकलेंगे। आज ये कि सबसे पहले भी हमें मेल टाइगर दिखा था ये सेम, और उसके बाद दोबारा से ये अभी पानी की तरफ आ गया था। हालांकि उस टाइम में हम सांबर रोड में अपना थोड़ा बहुत टाइम देने पहुंचे थे, उस दौरान ही उसकी मूवमेंट हुई होगी और उसके बाद सीधे पानी में बैठा था टाइगर। तो अब यह है कि सही रहा, जो होता है अच्छा ही होता है और साइटिंग तो हो गई बढ़िया। और अब हम चल रहे हैं FRH की तरफ और उसके बाद ऑन द वे अगर कुछ दिखता है तो आपको दिखाएंगे। जल्दी से पूछे तो जी फाइनली आज की सफारी समाप्त हो गई और टिकाला हम पहुंच चुके हैं। तो ये है जी आखिरी सफारी इस सीजन की। तो जी फाइनली वी आर गोइंग फ्रॉम टिकाला। और याकूब भाई, तो आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। देखो जिंदगी रही तो। अरे जरूर, देखो हमारे तो आप ही है यहाँ, मज़ा आता है आपसे जब भी हम स्टोरी सुनते हैं बातें करते हैं। देखो मौत का नाम गाली नहीं है आपकी हमारी जिंदगी रखेगा, अगले साल मुलाकात होगी जी जरूर। या कुछ कल हम भी अपना कल लेंगे आप भी वापस बिजनौर। हाँ नजीबाबाद। हाँ भंडारा करके
भंडारा यहाँ भी होता है अंदर और बाहर भी? हाँ, दोनों जगह अपनी अपनी जगह अलग अलग होगा, गेट का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा। तो कल यहाँ से पूरा स्टाफ भी चले जाएगा मतलब? हाँ जी, ऑलमोस्ट। हाँ, खाली फॉरेस्ट को छोड़ गए। तो जी, अब चेकआउट प्रोसेस तो पूरी हो गई है, तो अब जा रहे हैं, तो आपको एक बार फिर से डेक दिखाते हुए चलते हैं। तो क्लोजिंग टाइम और हमारी क्लोजिंग सेरेमनी डेक में जाके खुद ही होती है। तो हाथी है काफी ज्यादा, काफी आ गए, और यहाँ पे डियर भी है। तो ये है जी नजारा। तो बाकी क्लोज करते हैं इस ब्लॉग को, ऑन द वे अगर कुछ अच्छी सेटिंग होती तो आपको दिखाएंगे, वरना मिलते हैं दोबारा नए ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल, बाय। पूछते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहा। एमी जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा था। आपका मैम? बढ़िया रहा, सफारी तो बढ़िया रही रात। हाँ, रात का हमने पिछले ब्लॉग में बोले दिया है कि बहुत चीज़ें यहाँ पे बहुत गंदी चीज़ें हैं, मतलब कि वो लास्ट वाले ब्लॉग में भी देखना, और खासकर डॉर्मेट्री के आसपास के जो टॉयलेट है ना, व्यवस्था बहुत ख़राब है। डॉर्मेट्री नहीं, जहाँ भी टॉयलेट है पब्लिक के लिए, उसकी खस्ता हालत है, रूम का मैं बोल नहीं सकता। आप बताइए सर। हाँ, एक्सेलेंट, मतलब जंगल वाइज एक्सेलेंट, लेकिन बेसिक सुविधा वाइज जीरो। हमारे मकसूद भाई भी, बहुत बढ़िया रहा इनके साथ एक्सपीरियंस, है जी। आपको कैसा लगा सर हमारे साथ? चलो जी, ओके जी। तो अब जा चुके हैं, फाइनली आप जा ही चुके हैं, निकला, मिलते हैं जल्द, बुलाना हमें फिर से, ठीक है।